गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल के शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है और डेटा प्रोसेसिंग कितने टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे पैरेलल डेटाबेस में लीनियर स्पीडअप और लीनियर स्केलअप क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक टेक्निक्स फॉर पैरेलल डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन। तो पैरेलल डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास बेसिक टेक्निक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है पैरेलल डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट्स टू की प्रॉपर्टीज, लीनियर स्पीडअप एंड लीनियर स्केलअप। तो लीनियर स्पीडअप और लीनियर स्केलअप जो है ये बेसिकली हम जो है डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, तो वो एक एक करके इसको देखेंगे कि लीनियर स्पीडअप और लीनियर स्केलअप क्या है तो समझ में आएगा। और बेसिकली इस वीडियो लेक्चर का जो पर्पस है वो यही है कि आपको लीनियर स्पीडअप एंड लीनियर स्केलअप पता चल जाए। उसके बाद जो है दूसरी जो टेक्निक है वो सिंक्रोनस टेक्निक है, और तीसरा जो है हमारे पास वो है लॉकिंग टेक्निक। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर स्पीडअप क्या है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया है कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि जो है जहाँ पर हमारा डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल है, मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर हमारा डेटाबेस सिस्टम पूरा इंस्टॉल है और उससे सारे यूजर्स, एक कंपनी के सारे यूजर्स जो है नेटवर्किंग के थ्रू उससे कनेक्टेड है। तो डेटाबेस सिस्टम की साइड में अगर एक ही प्रोसेसर है और एक कंपनी में मान लीजिए कि 100 एम्प्लॉइज ने अपने डेटाबेस के एप्लीकेशन से किसी इंफॉर्मेशन को फेच करना चाहा तो 100 रिक्वेस्ट जो है डेटाबेस सिस्टम के पास जाएगी। और 100 रिक्वेस्ट जब जाएगी तो डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है एक ही प्रोसेसर वर्क कर रहा है, तो 100 रिक्वेस्ट को, यानी कि हम रिक्वेस्ट को टास्क भी बोल सकते हैं, तो 100 टास्क को वो एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। पहले एक टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोसेसर सेंड कर देगा, फिर दूसरे टास्क को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। इस तरीके से उसको 100 टाइम्स जो है टास्क को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है और यूजर को इंफॉर्मेशन भेजना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्या टाइम ज़्यादा लगता है कि 100 यूजर्स जो है सारे यूजर्स को अपने इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है वहाँ पर पैरेलल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो डेटा इसमें क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है एक प्रोसेसर ना लगा करके हम बहुत सारे प्रोसेसर्स लगा देते हैं, बहुत सारे सीपीयू लगा देते हैं, डिस्क लगा देते हैं, अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लगा देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब मान लीजिए 100 यूजर्स ने इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है तो डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है बहुत सारे प्रोसेसर एक्टिव हो जाते हैं और 100 टास्क को एक बार में ही एग्जीक्यूट करके, टास्क को कंप्लीट करके 100 यूजर्स के पास तुरंत इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर लीनियर स्पीडअप में हम ये समझेंगे कि अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ से अगर एक प्रोसेसर लगाया तो टास्क, अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है यूजर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसमें क्या होगा कि एक प्रोसेसर बहुत टाइम लगाएगा 100 यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन भेजने में, तो हम कहेंगे कि लीनियर स्पीडअप कम है। और अगर मल्टीपल प्रोसेसर हमने लगा दिया डेटाबेस सिस्टम की तरफ से तो लीनियर स्पीडअप जो है वो बढ़ जाएगी, वो अचीव हो जाएगी। तो बेसिकली लीनियर स्पीडअप यही होता है,
कि जब हम डेटाबेस सिस्टम की तरफ से प्रोसेसर को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो लीनियर स्पीडअप उसी के हिसाब से कम और ज़्यादा हो जाती है। तो टाइम टेकन फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क डिक्रीजेस व्हेन नंबर ऑफ सीपीयू इज इंक्रीज। तो ये कह रहा है कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगता है, ठीक है, अगर हम डेटाबेस सिस्टम की तरफ से सीपीयूज को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, प्रोसेसर को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम पहले एक प्रोसेसर ले रहा था, अब जो है उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए टाइम अब डिक्रीज हो जाएगा, टाइम अब कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोर रिसोर्सेस मीन्स मोर स्पीड। इसका मतलब डेटाबेस सिस्टम की तरफ से अगर हम ज़्यादा रिसोर्सेस हम लगा देते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोसेसर लगा देते हैं, डिस्क लगा देते हैं, मेमोरी लगा देते हैं, अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लगा देते हैं, तो स्पीडअप भी ज़्यादा हो जाएगी। और जो है जो भी रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोसेसिंग होगा वो प्रोसेसिंग टाइम भी लेस हो जाएगा, वो प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तो और आगे देखते हैं, इफ रिसोर्स इंक्रीजेस एन टाइम्स, अगर रिसोर्सेस को एन टाइम्स बढ़ा देते हैं, अगर प्रोसेसर मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह को एन टाइम्स बढ़ा देते हैं तो लीनियर स्पीडअप अचीव हो जाएगी, लीनियर स्पीडअप बढ़ जाएगी। तो क्या मतलब हो गया कि एन टाइम्स लार्ज और मोर प्रोसेसर और रिसोर्सेस लाइक प्रोसेसर डिस्क एंड अदर हार्डवेयर, अगर हम एन टाइम्स लार्ज कर देते हैं डेटाबेस सिस्टम की तरफ से, या फिर मोर प्रोसेसर उधर लगा देते हैं, या फिर मोर रिसोर्सेज जैसे कि प्रोसेसर को बढ़ा देते हैं, डिस्क को बढ़ा देते हैं, अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को बढ़ा देते हैं, तो एन टाइम्स लार्ज और मोर प्रोसेसर और रिसोर्सेस लाइक प्रोसेसर डिस्क एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, इन सब चीज़ों को जब हम डेटाबेस सिस्टम की तरफ से बढ़ा देते हैं तो जो स्पीड अप है वो भी एन टाइम्स बढ़ जाती है। तो लीनियर स्पीड अप यही है। तो जनरली अगर हम बात करें तो डेटाबेस सिस्टम की तरफ से अगर हम रिसोर्सेस को या फिर प्रोसेसर को जो है बढ़ा देते हैं, एन टाइम बढ़ाएंगे तो लीनियर स्पीड अप एन टाइम बढ़ जाएगी, और एन टाइम घटा देंगे तो लीनियर स्पीड अप एन टाइम कम हो जाएगी। इस स्लाइड में बेसिकली हम देखेंगे कि लीनियर स्पीड अप को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लीनियर स्पीड अप को कैलकुलेट करने के लिए हमें टी ओ अपॉन टी पी करना पड़ता है। तो देखते हैं कि टी ओ क्या है। तो टी ओ जो है एन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ टास्क ऑन द सिंगल प्रोसेसर। तो डेटाबेस सिस्टम के साइड में मैंने एक सिंगल प्रोसेसर लगाया हुआ है तो एक टास्क को कंप्लीट करने में वो सिंगल प्रोसेसर कितना टाइम ले रहा है तो उसको टी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी पी क्या होता है कि एन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सेम टास्क ऑन मल्टीपल प्रोसेसर। और उसी सेम टास्क को अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ मल्टीपल प्रोसेसर को इंस्टॉल करके उस मल्टीपल प्रोसेसर पे सेम टास्क को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है तो उसको टी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको और अच्छे से समझते हैं कि इफ ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम टेक्स 60 सेकेंड्स टू परफॉर्म ए टास्क, तो अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ एक सिंगल प्रोसेसर है और वो एक टास्क को परफॉर्म करने में, एक टास्क को कंप्लीट करने में, एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने में वो 60 सेकेंड लेता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका टी ओ 60 सेकेंड। एंड टू प्रोसेसर्स पैरेलल सिस्टम टेक 30 सेकेंड्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। और डेटाबेस सिस्टम की तरफ मैंने दो प्रोसेसर लगा दिए पैरेललली,
तो वो जो है उसी सेम टास्क को परफॉर्म करने में 30 सेकेंड ले रहा है, तो इसको टीपी बोलेंगे। तो स्पीड अप ऑफ वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, तो स्पीड अप ऑफ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि टी ओ हमारे पास 60 सेकेंड है तो उसको हमने ऊपर रख दिया है, और टी पी हमारे पास 30 सेकेंड है तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया है, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 2। तो यहाँ पर स्पीड अप जो है हमारी 2 बन गई, तो लीनियर स्पीड अप जो है वो 2 है। तो लीनियर स्पीड अप इज 2, तो यहाँ पर लीनियर स्पीड अप जो है 2 है, विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है कि अगर नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेसर प्रोसेसिंग इज फास्टर देन सिंगल प्रोसेसर, तो क्या है कि जो प्रोसेसर है सिंगल प्रोसेसर से इतना गुना ज़्यादा जो है फास्टर हो गया है टास्क को प्रोसेस करने में, यानी कि सिंगल प्रोसेसर की तुलना में पैरेलल प्रोसेसर जो है वो सिंगल प्रोसेसर से जो है स्पीड अप 2 आई है, तो सिंगल प्रोसेसर से वो 2 गुना ज़्यादा जो है पैरेलल प्रोसेसर की स्पीड बढ़ गई है। तो बेसिकली स्पीड अप का यही रोल है, यही चेक करने के लिए हम स्पीड अप को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है अगर प्रोसेसर को बढ़ा देते हैं तो सिंगल प्रोसेसर की तुलना में जो है वो कितना गुना ज़्यादा वो एक टास्क को प्रोसेस कर रहा है। अब देखते हैं कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में स्पीड अप कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्पीड अप जो है 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर स्पीड अप, सब लीनियर स्पीड अप और सुपर लीनियर स्पीड अप। तो देखते हैं कि लीनियर स्पीड अप क्या है। तो इफ द स्पीड अप इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, तो मैंने क्या किया, डेटाबेस सिस्टम की तरफ एन नंबर ऑफ प्रोसेसर को बढ़ा दिया। तो अगर स्पीड अप उसी के इक्वल में है तो हम उसे लीनियर स्पीड अप बोलेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि लीनियर स्पीड अप को कैसे निकालते हैं, तो उसको लीनियर स्पीड अप कहते हैं। अब देखते हैं कि सब लीनियर स्पीड अप क्या है। तो इफ द स्पीड अप इज लेस देन एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, तो अगर मैंने डेटाबेस सिस्टम की तरफ एन नंबर ऑफ प्रोसेसर को बढ़ाया बट जो है स्पीड अप जो है उससे लेस आया है, उससे कम आया है, तो उसको सब लीनियर स्पीड अप बोलेंगे। और सुपर लीनियर स्पीड अप क्या है कि इफ द स्पीड अप इज मोर देन एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, तो अगर जो है डेटाबेस सिस्टम की तरफ मैंने एन नंबर ऑफ प्रोसेसर को बढ़ाया है बट स्पीड अप जो है उससे ज़्यादा निकल करके आ रही है, तो उसे हम सुपर लीनियर स्पीड अप कहते हैं। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के वीडियो लेक्चर दूसरे में आज इतना ही, और बाकी का जो है लीनियर स्केलअप वगैरह जो है हम वीडियो के दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।